हेलो मेरे फूडीज, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं गौरी चौगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो गुजरात की बहुत ही पॉपुलर क्विजीन है जिसे कहा जाता है सेव खमनी। ये जो एक रेसिपी है ये मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैंने फर्स्ट टाइम जब खाया था आई वॉज लिटरली मैड अबाउट दिस रेसिपी, बिकॉज ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप एज अ इवनिंग स्नैक एज अ मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं। खाने में यार इसका टेस्ट इतना टेस्टी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो ये रेसिपी बनती है ढोकले के थ्रू, मगर इसमें जो ढोकला बनाया जाता है वो काफ़ी ट्रिकी होता है क्योंकि इस ढोकले बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी किसी का ढोकले का बैटर नहीं फूलता तो कभी किसी का ढोकला नहीं फूलता बनने के बाद, सो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मगर जो मैं आपके लिए इसमें ढोकले की रेसिपी लेके आई हूँ वो नो फेल रेसिपी है। आप बनाएंगे विद फिक्स मेजरमेंट्स, आपका 101% आपका ढोकला बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनना है। चलिए तो फ्रेंड्स, फिर देरी किस बात की है, चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ और जान लेते हैं इसके इंग्रीडियंट्स कैसे बनती है ये रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस तरीके से बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाएंगे हम ढोकला। ढोकले के ये देखिए आप, मैंने एक कटोरी ले लिया, एक बाउल ले ली है। कटोरी ये जो लेंगे इसी से ही मैं सारे मेजरमेंट्स करूँगी, सो आपको भी एक कटोरी कोई सी भी ले लेनी है। ये देखिए, पहले मैं ले लेती हूँ बेसन, पूरा एक कटोरी हम पहले बेसन ले लेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कटोरी इस तरीके से बिल्कुल फुल होनी चाहिए। ये देखिए मैंने एक कटोरी ले ली बेसन की। चलिए अब डाल लेते हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। चलिए जी फ्रेंड्स, अब आपने ऐड करना है एक कटोरी रवा, जिसे सूजी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में सेमोलिना कहा जाता है। चलिए जी, यहाँ ये देखिए एक कटोरी मेरी सूजी ऐड हो चुकी है। अब हम ये सूजी भी ऐड कर लेते हैं। सब जो आपको नाप लेनी है वो फुल एक कटोरी भर कर लेनी है। ये देखिए ये दही है, ये दही भी मैंने डाल लिया, ये एक कटोरी दही ऐड हो गया। चलिए जी, अब ले लेते हैं हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे ढोकले के लिए, वो है पानी। उतनी ही कटोरी मैंने पानी ले लिया है। चलिए अब ऐड कर लेते हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं 8 टीस्पून के आसपास शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर यूजुअली ऑप्शनल रहा जाता है, मगर आप सेव खमनी अगर देखेंगे तो सेव खमनी का टेस्ट जो थोड़ा होता है उसमें काफ़ी नमक भी रहता है, शुगर भी रहती है और थोड़ा सा नींबू का टेस्ट भी रहता है, जो थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट रहता है। तो चलिए जी, यहाँ मैंने 8 टीस्पून शुगर ऐड कर ली है। अब स्वाद अनुसार आपने नमक ऐड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये नमक ऐड हो गया जी। चलिए जी, ये सारे थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब कर लेते हैं फटाफट से मिक्स। अब जब आपने सेव खमनी बनानी है, अगर आपने सुबह बनानी है तो ये बैटर आपको रात को भिगोना पड़ेगा। सो मैंने वही किया है, मैंने रात को ये बैटर अच्छे से भिगो देना है। इससे क्या होगा, जो दही है, दही से अच्छा हमारे जो ढोकले में एक फर्मेंटेशन आएगा, मतलब खमीर उठेगा, फिर हम सुबह इस ढोकले को अच्छे से बना पाएंगे। चलिए साहब, यहाँ ये देखेंगे तो आप, मैंने अच्छे से मैश कर रही हूँ। जो भी बेसन की गुठलियाँ हैं आपको मैश करते हुए निकाल लेनी है और अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेना है। इसमें एक्स्ट्रा पानी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, जो मैंने मेजरमेंट्स बताए वही है। और ये देखिए ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी। ठीक है जी, अब एक ही काम करेंगे, इसे अब हम ढक के रख देंगे ओवरनाइट। चलिए जी फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट सुबह मेरा बैटर काफ़ी थिक हो चुका है क्योंकि हमने इसमें रवा डाला था, तो रवा ने जो पानी है वो सोक कर लिया है बिल्कुल। इसमें हम अब थोड़े से अमाउंट में पानी डालेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये वाला जो बैटर है इससे आपकी 2 प्लेट्स आराम से रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बैटर को डिवाइड कर रही हूँ। आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है तो बेकिंग सोडा कभी भी हम एक साथ नहीं डालेंगे। जितना बैटर आपको स्टीम करने के लिए रखना है सिर्फ उतना ही बैटर में आपको बेकिंग सोडा ऐड करना है। सो ये देखिए यहाँ पे 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ये लीजिए जी, बिल्कुल 2 टेबलस्पून के आसपास, और 1 टेबलस्पून भी इनफ रहेगा। आप उतना पानी ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिर्फ हमारा अच्छे से इनो मिक्स हो जाए, सॉरी बेकिंग सोडा मिक्स हो जाए, उतना ही आपने रखना है पानी। चलिए जी, अब देखिए मेरा बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है,
यहाँ आप देखेंगे तो ये मेरी प्लेट है, मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आपने भी यही काम करना है, आपने प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेना है, फिर अब हम इसमें बैटर डालेंगे। चलिए जी साहब, ये देखिए स्टीमर में मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्लेट रखती हूँ, सिर्फ हम एक प्लेट बनानी है, सो थोड़ा सा इसको ऊँचा रखने के लिए मैंने नीचे दूसरी प्लेट लगाई थी। अब ये ऐड कर लेते हैं बैटर। ये देखिए इस तरीके से मैंने बैटर ऐड कर लिया है। अब बैटर को आपको अच्छे से फैला लेना है, कैसे प्लेट को थोड़ा सा उठा के हल्के से इसको इवन कर लेना है, ताकि ये बैटर क्या, ये देखिए इस तरीके से। अब एक चीज़ है, इस बैटर में आप चाहें तो लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स यूजुअली सेव खमनी में रहते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ये देखिए कवर लगा लिया था, अब ये कवर खोल के देख लेते हैं। ये देखिए एक टूथपिक आपको डाल के देखनी है, हार्डली सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे और ये आपका ढोकला बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा साहब। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रही है टूथपिक, मीन्स हमारा ढोकला बनके रेडी है। चलिए साहब, ढोकला बनके रेडी हो चुका है, तो निकाल लेते हैं इसे फटाफट से बाहर। ये देखिए मैंने दोनों प्लेट्स अच्छे से रेडी कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इसको निकाल के, कितना सॉफ्ट ढोकला हमारा बना है। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको मेजरमेंट बताए हैं, अगर आप उसी तरीके से ढोकला बनाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका ढोकला बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और आपकी गजब सी सेव खमनी बनके रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने ये थोड़ा स्क्रैच आउट कर दिया है, और मैंने अभी मैं आपको पीस निकाल के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट ढोकला बनके रेडी हुआ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, जाली जब दिखती है ना तो मीन्स हमें समझ जाना होता है हमारा ढोकला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। ये देखिए काफी सॉफ्ट है ढोकला हमारा। चलिए साहब, अब थोड़ा क्लोजअप लुक में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से जाली बैठी है इसकी, और कितना सॉफ्ट बनके रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। सो इस तरीके से आप चाहें तो उसके ऊपर राई की वगार करके भी अगर ये ढोकला बनाएंगे ना, बहुत खाने में टेस्टी लगता है। सो डू ट्राई इट, वगार में राई डालिए, कड़ी पत्ते डालिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए, और मस्त वाला ढोकला आपका ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है। चलिए हमें बनानी है अब सेव खमनी। यहाँ ये देखिए मैं आपको जाली भी एक बार दिखा देती हूँ। जब ढोकले में जाली बने ना, मीन्स आपका साफ ढोकला बहुत अच्छे से रेडी है। चलिए अब चलते हैं आगे प्रोसेस पे। चलिए साहब, यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक कद्दूकस करने के लिए मैंने ले लिया है, और इस तरीके से अब आपको ढोकले को कद्दूकस करना है, ताकि क्या होगा, आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, मगर अगर कद्दूकस आप करके ऐसे करते हैं ना, तो बिल्कुल इवन तरीके से आपका जो ढोकला है कद्दूकस हो जाएगा, बिल्कुल चूरी टाइप में बन जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो कद्दूकस करने वाली चीज़ है ना, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो यूटेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं, को गुजराती में खमनी कहा जाता है, इसीलिए इस रेसिपी का नाम है सेव खमनी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है, और कितनी फाइन तरीके से कद्दूकस हुआ है। अगर आप हाथ से करेंगे वो इतना इवन नहीं रहता, मगर आपको इवन चाहिए तो आप ये जो कद्दूकस करने का यूटेंसिल है वो ज़रूर यूज़ कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, 50% हमारा काम पूरा हो गया, अब बहुत छोटा सा काम बाकी है, वो है इसके ऊपर वगार करना। सो आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो तेल आपका गर्म हो चुका है, अब डाल देते राई, वो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड कर दी है राई। चलिए जी, अब राई जैसे ही चटकने लगेगी तो हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। चलिए जी, यहाँ देखिए राई चटकना शुरू हुई है, तो मैंने नियर बाय 1.5 टेबलस्पून के आसपास ये तिल डाल दिए हैं। तिल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेव खमनी का, और ये थोड़े से हरे मिर्च डाल दिए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, कुछ 1/2 टीस्पून के आसपास, और यहाँ पे कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं, जो एक एक्स्ट्रा ही फ्लेवर देने वाले हैं हमारी सेव खमनी को। चलिए जी, अब इसे थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का सा। जैसे ही हमारा देखिए मिर्ची भुन गई है, तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब हमको मिर्ची का तिखास चाहिए जो ऐड हो हमारी सेव खमनी में, तो आपने क्या करना है, काफ़ी पानी देखिए मैंने डाल दिया, अब इसको हम सुखाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो मिर्ची के तीखापन है वो पानी में ऐड हो जाना है। चलिए जी, यहाँ आप देखेंगे तो ये पानी देखिए काफ़ी कम हो चुका है, अभी भी हम थोड़ा पानी और सुखाएंगे, कुछ इस लेवल तक। चलिए जी, अब ऐड कर लेते हैं हमारी ये खमनी, देखिए इस तरीके से ऐड हो गया। चलिए अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यूजुअली अगर देखा जाए तो बेसन का जो ढोकला बनता है, इसमें यूजुअली क्या होता है, प्लेन
जो बेसन होता है उसका ढोकला बनाया जाता है, जो कि थोड़ी देर बनने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाता है। फिर वगार में उसमें काफ़ी लेवल में पानी डाला जाता है। मगर इस जो प्रोसेस है उसको तोड़ते हुए मैंने यहाँ पे जो ढोकला बनाया वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है, तो उसमें हमें काफ़ी अमाउंट में पानी नहीं ऐड करना पड़ता है। सो आपने देखा होगा लास्ट में जब पानी की आपने क्वांटिटी देखी होगी बिल्कुल 2% के आसपास थी, तो पानी बिल्कुल आपको नहीं रखना है। बिकॉज़ क्या होएगा, अगर आप पानी रखेंगे तो आपका ढोकला जो है बिल्कुल स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। सो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा ये सब कुछ मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था मिक्स करने के टाइम। यहाँ पे देखिए धनिया और काफ़ी अच्छे अमाउंट में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको नारियल का भूका भी कहा जाता है, उसको मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था सो मैंने ये ड्राई वाला जो कोकोनट है वो ऐड करा है। चलिए जी अब ऐड कर लेते हैं अनार के दाने। ये देखिए इस तरीके से, यार पर्सनली मुझे तो बड़ा पसंद आता है जब एक हमारी रेसिपी में सब चीज़ें हों, येलो रेड ग्रीन, सो आई लव दैट टाइप ऑफ डिशेस। यहाँ आप देखेंगे, देखिए कितनी कलरफुल बन के हमारी डिश रेडी हुई है और खाने में बॉस उतनी ही टेस्टी है। डू ट्राई दिस, मैं आपको गारंटी देती हूँ ये आपकी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज में एक हो जाएगी। साहब अभी भी गार्निशिंग हमारी ख़त्म नहीं हुई है, चलिए जी ऐड कर लेते हैं ये नमकीन। नमकीन अगर आपके पास बिल्कुल जीनी सेव जो होती है, बिल्कुल पतली वाली फाइन वाली होती है, अगर वो ऐड करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट पर्सनली मेरे पास वो नहीं थी सो आई एडेड दिस वन। सो इससे भी बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। सो दोस्तों सेव खमनी हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, चलिए कर लेते हैं फटाफट से हमारी प्लेटिंग। सो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी ट्रिकी डिश और कितनी इजी वे में हमने कन्वर्ट कर ली है। इसमें मेन होता है ढोकला बनाना, जो कि बनता है प्योर बेसन से, मगर यहाँ पे हमने सूजी बेसन मिक्स करके जो हमारा ढोकला बनाया है और हमने उसमें दही ऐड किया है, जो कि हमारे ढोकले को एक बहुत ही अच्छा मॉइस्ट लेवल देता है। अल्टीमेटली आपका ढोकला जो बनता है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। सो ढोकला जब सॉफ्ट बन गया तो हमारी सेव खमनी ऑटोमेटिकली बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाली है। देखिए फ्रेंड्स प्लेटिंग मेरी हो चुकी है, गार्निश कर लेते हैं एक्स्ट्रा हमारे जो हरा धनिया है जिसे कोरिएंडर लीव्स कहा जाता है, चलिए कुछ हम इससे में ऐड कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा टॉप अप कर लेते हैं और हमारे अनार के दाने। ये देखिए इस तरीके से मैंने अनार के दाने ऐड कर लिए। अब जब आप इसे खाने बैठेंगे सो आपने एक ही काम करना है, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस हल्का सा ऐड करना है, सो इट विल गिव थोड़ा सा खट्टा एंड मीठा फ्लेवर टू दिस सेव खमनी एंड यू विल लिटरली एंजॉय दिस रेसिपी। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मैंने कर ली है अपनी प्लेटिंग। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मेरी कोशिश आपसे यही रहती है कि मैं आपके सामने ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो बनने में बहुत ही आसान हो, खाने में बहुत टेस्टी हो और बनने में बिल्कुल लेस कॉम्प्लेक्स हो। फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें साहब। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ ऐसी ही कोई अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप रहिए स्टे ब्लिसफुल एंड स्टे हेल्दी।